दोस्तों, आज की तारीख 27 तारीख है आज की, और मेरा नाम है सागर और मेरे चैनल का नाम है सागर बट केयर। तो आज हमारी इधर क्या हो गया था दोस्तों, सुबह से कल रात से 2 बजे से बारिश चालू है। तो थोड़ा मौसम जो है हमारी इधर ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और आपने देख पा रहे होंगे कि मैं जो हूँ सर को बांध के हूँ यहाँ पे, और देख पा रहे होंगे मैं दिख रहा हूँ आपको वीडियो में। तो ऐसी हमारी इधर की अभी जो है कंडीशन है। और अपना जो सुबह एक बच्चा जो है ख़त्म हो चुका है दोस्तों, पोट जाम हो गया उसका तो। और ये लाल बच्चा भी जो है मेरे को कमज़ोर दिख रहा है आप ये वीडियो के अंदर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको ज़रा दिखता हूँ। तो ये जो लाल बच्चा है दोस्तों यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चा है लाल वाला, ये वाला तो ये भी थोड़ा नीचे दब के बैठ रहा है, ये भी थोड़ा मेरे बीमार दिख रहा है मेरे को, तो देखना पड़ेगा उसको चेक करके। ओके दोस्तों, और बाकी के जो बच्चे कबूतर मैंने यहाँ पे बंद करे हुए थे, एक बच्चा मैंने यहाँ पे बंद करा हुआ था उसको मैं निकालने वाला हूँ बाहर, तो ये निकल चुका है अभी। और अपने जो कबूतर है इसमें दाना खा रहे हैं, अपने जो पुष्ट का जो मैंने पुष्ट लगा खड्डा रखा, अपना कार्टून का खड्डा जो रहता है उसको रखा, वो जो है पानी वानी जो है सोख लेगा नीचे का, और उसके ऊपर दाना डाला हुआ है मैंने, और कुछ कबूतरों ने दाना जो है नीचे गिरा दिया है मिट्टी में खराब इसमें, और वो दाना वो खा रहे हैं दोस्तों खराब दाना। तो कबूतर क्या करें, जानबूझ के नीचे गिराते हैं और वो गंदा दाना खाते। ओके दोस्तों, आज मैंने कबूतर को गर्म पानी दिया था और कबूतरों ने गर्म पानी पिया, और आज दिन भर मैंने पानी नहीं रखा इनको ठंडी के मौसम की वजह से। ठंड है ना हमारी इधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए मैंने क्या करा, सुबह थोड़ा पेट भर के पानी जितना पीते हैं उतना पीने दिया, और दिन भर पानी भर के नहीं रखा। बच्चे वाले कबूतरों को भी नहीं दिया और जोड़े सिंगल कबूतरों को भी नहीं दिया, वैसे उनको रखा। तो फिर जो है अभी कुछ कबूतर जो है मेरे दब के नहीं बैठ रहे, ज़्यादा पानी देंगे, मैं ज़्यादा पानी रखता था ना भर के, तो कबूतर जो है मेरे ऐसे दब के बैठते थे ऐसे कैसे कि ये फुलवर मादी जो आपको यहाँ पे दिख रही है इसके जैसे दब के बैठते थे। वो बच्चे जो है माँ बाप से दाना मंगते थे अभी। तो जोड़े को मैंने अभी जस्ट मैंने सब कबूतरों को जो है दाना डाला हुआ है इधर, और कबूतर जो है दाना खा रहे हैं अपने, और जो दाना है जो है यहाँ पे जो बचा हुआ दाना है वो भी मैं डालता हूँ अभी अपने कबूतरों को। और मैं सोच रहा था कि काले चने लाऊँ कबूतरों के लिए, अपने काले चने जो है इसमें ऐड करूँ दानों में, थोड़ी ताकत आएंगी अपने कबूतरों में और कबूतर जो है थोड़ा बेहतर जो है महसूस करेंगे, ऐसा सोच रहा था मैं। तो मैं काले चने लाने वाला हूँ 1½ किलो, और वो देने वाला हूँ फिर कबूतरों को। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं दाने लाता हूँ और फिर जो है दरा सा गैस पे पानी गर्म करके जो है कबूतरों को देने वाला हूँ मैं, तो बने रहे आप वीडियो में। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, और जो दाने हैं मैंने लाया है कबूतरों के लिए अपने, और वो दाने जो है मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं थोड़े थोड़े डाल रहा हूँ मैं, कि वो नीचे क्या कर रहे हैं नीचे घसर रहे दाने, और वो ख़राब दाने उनके बीट से ख़राब हो रहे हैं और वही खा रहे हैं फिर कबूतर। तो जानबूझ के करते दोस्तों उस पर ऐसे जोर से ऐसे इधर उधर फेंकते और फिर खा रहे चुन चुन के, और बाकी जो बच्चे हैं ना फिर ख़राब दाना खा के फिर उनका पोट जाम की बीमारी फिर चल रहे आज हो जाती फिर कबूतरों को। तो ऐसे हो रहा, और थोड़ा नहीं क्या कबूतर जो है ना ठीक ही नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ बीमारी जो है मेरे घर पे आती रहती, क्या मालूम। मैं तो अच्छा पानी देता हूँ, अच्छा धो के बराबर दाना भी अच्छा दे रहा हूँ मैं ना, सिर्फ क्या मेरा पिंजरा जो है वो खुला हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से उसको क्या करता हूँ मैं पन्नी लगाता हूँ अभी, कल जो है मैं पन्नी बांध दूँगा इसको पूरा ला के, टिकट लाऊँगा उधर से भी पन्नी बांधूँगा, सामने से भी पैक कर दूँगा, इधर से भी पैक करूँगा दोस्तों, वो सब पैक करने वाला हूँ मैं पिंजरा, क्योंकि ठंड जो है बढ़ने वाली है, और कबूतर जो है फिर कैसे होंगे अपने गर्माहट से अच्छे रहेंगे फिर, ऐसे मैं करने वाला हूँ आज के बोले तो कल से, कल तो पन्नी लाऊँगा ही मैं, मटकी लाऊँगा इनके लिए, 15 मटकी लाना पड़ता है, ये बजरी तोते जो अपने घर पर हैं इनके लिए 15 मटकी लाने वाला हूँ मैं और पन्नी लाने वाला हूँ। ओके, तो आज की अपडेट ऐसी है अपनी वाली। तो दाने जो है कबूतरों ने खा लिए दोस्तों, और वो मैंने खड्डा रखा अपना पृष्ठ है वो रखा हुआ, पृष्ठ बोलते हमारे इधर, तो जो ट्रे था ये सुबह ट्रे रखा था मैंने, वो ट्रे जो है गीला हो गया है अंदर से, और ये जो पृष्ठ है ये सूखा सूखा है, नीचे से गीला हो जाता तो भी कोई ऊपर पानी नहीं आता उसके,
तो ये जो है अच्छा रहता। इस पर भी आप समझ लो आपकी छत गीली हो गई होंगी, तो आपके इधर बारिश हो रही होंगी समझ लो, तो आपने क्या करना है, ये ऐसा खड्डा लाना है, कार्टून लाना है कार्टून, और उसको फिर फाड़ के वैसा उसका बराबर बना के वो रख सकते हो आप, और कबूतरों को अपने दाने डाल सकते हो उसके ऊपर। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो ऐसे आप देख सकते हो, कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं पानी गर्म करता हूँ थोड़ा कबूतरों के लिए, तब तक कबूतर जो है कुछ दाना खा लेते हैं अपने, और फिर मैं जो है कंटिन्यू करता हूँ। ओके, और ये जोड़ा जो है दूसरे के खन में घुस गया है, और मादी को जो है खन में नहीं जाने दे रहा, तो इसको देंगे दान का। अरे खाना दाना, तो उसके खन में जाके उसको ही नहीं घुसने दे रहे दोस्तों, खन के अंदर उसको मार रहा था वो, दिया उसको एक दन का, वो खन में नहीं जा रहा, उसके खन में खुद के खन में नहीं जा रहे, वो दूसरे खन में घुस रहे। चलिए दोस्तों, वो तो होते रहता है, दरा से तमाशे होते रहते हैं अपने कबूतरों के। तो चलिए मैं पानी बनाता हूँ गर्म, थोड़ा गर्म पानी जो है रखता हूँ कबूतरों के लिए, और फिर कंटिन्यू करता हूँ जब पानी देऊँगा तब कबूतरों को। ओके दोस्तों, अभी जो है ना मैंने गैस जो है चालू कर दिया अपना, ये देख पा रहे, थोड़ा पानी जो है पाचक दो लीटर पानी होगा, सॉरी दो लीटर पानी होगा, और उसमें इनके मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। ओके, और वो जो अपना सुबह मैंने दवाई डाली थी अपनी गर्म वाली, वो दवाई थोड़ी सी डालूँगा मैं, और एक ही दिन दूँगा, और फिर कल से मैं बंद करने वाला हूँ, वो दूँगा नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है वो ज़्यादा गर्म है तो कबूतर फिर खून की बीटें करना चालू कर देते बच्चे। बड़े वाले कबूतर तो अच्छे रहते जोड़े वाले, पर वो जो बच्चे रहते वो फिर खून की बीट करना चालू करते, उनका फिर जो सिस्टम है वो गर्म हो जाता बहुत ज़्यादा। ओके, तो अभी ये गर्म हो जाने के बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा, आपको दिखाऊँगा फिर। ओके, देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी इसमें दो चम्मच चाय पत्ती भी डाल दी, मैंने बोला चाय पत्ती जो होती है गर्म होती है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, इसको ऐड करने से पहले मैंने बोला हल्दी तरह से पकने दी, बाद में दो चम्मच इसमें मैंने अपने चाय पत्ती डाली, शक्कर नहीं डाली हुई है कुछ नहीं, बाकी सिर्फ हल्दी और चाय पत्ती है इसमें दो चम्मच। ओके, और ये पानी जो है अपन कबूतरों को देंगे अभी। ओके, और फिर ढक के रख देंगे कबूतरों को, दाना पानी तभी दाना खा लिए कबूतरों ने, और थोड़ा दाना ऐड करूँगा मैं, और फिर ये कबूतरों को अपने देने वाला हूँ मैं पानी अपने पीने के लिए कबूतरों को। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं कबूतरों को पानी रखता हूँ ये, और फिर कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों, जो अपन ने जो चाय पत्ती का और हल्दी का जो पानी बनाया था वो जो है मैंने कबूतरों को अभी दे दिया है। कबूतर थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई उसके देने के टाइम, सिर्फ मैंने इसमें डाल दिया और पानी ऐड किया, जितना कबूतरों को ऐसा चटकाने लगे वो हिसाब से मैंने रख के जो है कबूतरों को अभी पीने के लिए रख दिया है। और कुछ जो बच्चे अपने नीचे नहीं उतरे पानी पीने के लिए, तो उसको मैं धक्का दे के नीचे उतरने वाला हूँ, पानी पीने के लिए उतार देने वाला हूँ कि पानी पियो भाई साहब, उधर ये दो तीन कबूतर जो है अपने इनको उतार दिया मैंने अभी, वो पानी पे आने को होना, बस पानी पे आने को होना, बच्चा पानी पिएगा तो गर्म लगेगा उसको, और अच्छा खासा गर्म हो जाएंगे कबूतर थोड़े, अभी चाय पत्ती जो होती है थोड़ी गर्म होती है ना, वो उससे गर्माहट आती है ना शरीर में, तो वो भी चल जाएगा फिर दोस्तों। और फिर तो मैं ढक के रखने वाला हूँ इसको, वो मादी चली गई अंडों पे पानी पी के, और ये इधर लाल वाली मादी चली गई थी बच्चे को दाना देने के लिए, और दाना दे के जो है कुछ कबूतर जो है अपने दाना खा रहे हैं इधर, और कुछ कबूतर जो है पानी पी रहे अपने। ये बच्चे को मैंने नीचे ढकला अभी, तो ये आ गया पानी पे, तो एक दो झिप इसने ले लिया, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा गर्म उसको लगेगा शरीर को, तो फिर और अच्छा मेरे ख्याल से हो जाएगा। ओके, और जोड़ा चला गया बच्चे को दाना देने के लिए, बच्चा भी जो है अभी गर्म पकड़ लेगा, थोड़ा गर्म है पानी, तो गर्म पानी आप भी दे बना के, थोड़ा नॉर्मल पानी भी गर्म पका के आप जब कबूतरों को रखेंगे तो आपके कबूतरों में ठंडी नहीं होगी, कबूतर वैसे भी गर्म होता है, फिर गर्म जो उसके पोटे में ठंडा पानी जाएगा समझ लो, नॉर्मल ठंडा पानी भी आप देंगे कबूतर को तो पोट जाम की शिकायत आपके घर के बच्चों में हो सकती है दोस्तों, या बड़े कबूतरों में हो सकती है, तो आप ठंडा पानी ना दें, कबूतरों को गर्म पानी करके दें थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। वैसे भी अपन चाय करते हैं दोस्तों, काली चाय बनाते हैं ना, तो वो भी आप पिला सकते हो, सिर्फ शक्कर जो है अपने नहीं डालनी कबूतरों को,
ओके, शक्कर से थोड़ा उनका मसला हो सकता है, मसला हो सकता है कबूतरों को अपनी। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वही जो पानी जो है अपने कबूतर जो है बच्चों को भी दे रहे हैं और ख़ुद भी पियेंगे, तो बच्चे मेरे ख्याल से अच्छे रहेंगे। वो बोल रहा था मैं, और एक कबूतर ने किसी और का खन जो है छीन लिया है इधर। तू हमने दे दिया उसको एक लकड़ी जोर से। हाँ कवा रात्रि बंद चलता ना वहाँ थे गायकवाड़ झोपी ले उठते ना, गायकवाड़ झोपाली झोपी तुम उठते थे होते मंग थे बंद देता नहीं करत। मैं सकाळी मैं खेलता ना काल बंद लाइट। तो देखिए दोस्तों, ये अपना वीडियो बन रहा है अभी और सब झगड़ा इसमें शूट हो चुका है। अपने मम्मी के साथ में झगड़ा होते रहता, तो झगड़े के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।